धनबाद जिले के BBNQ में छात्रों का हंगामा। फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को फेल करने का है मामला। छात्रों ने वीसी पर आरोप लगाया है पैसे उगाही करने का। साथ ही छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि गार्ड द्वारा छात्रों से मारपीट की गई। बता दें पूरा मामला जो है 72% यहां पर छात्रों को फेल करने का है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको लेकर के यहां पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। साथ ही वीसी पर पैसे उगाही करने का आरोप भी लगाया गया है छात्रों ने। पूरा मामला जो है कि BBNKU में छात्रों का हंगामा है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का, जहां पर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को फेल करने का पूरा मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र हंगामा कर रहे हैं और वीसी पर पैसे उगाही करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, और यहां पर वीसी पर पैसे उगाही करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को फेल कर दिया, जिसको लेकर के BBNKU के छात्र हंगामा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर। और साथ ही गार्ड से मारपीट करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, और वीसी पर पैसे उगाही करने का आरोप भी लगा रहे हैं छात्र। यहां पर वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिसको लेकर यहां पर छात्र उग्र हो गए हैं और BBNKU में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि गार्ड द्वारा मारपीट की गई। साथ ही छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वीसी पैसे उगाही कर रहे हैं। यहां पर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है छात्रों द्वारा वीसी पर कि वो पैसे उगाही कर रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबर जुड़ चुके हैं सीधा BBNKU के बाहर से। तो क्या कुछ मामला है वहां पर, क्या कुछ माहौल बना हुआ है अभी? देखिए निकेत, यहाँ पे फिलहाल अभी छात्र छात्राएं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पूरे कॉलेज के गेट को घेर कर बैठे हुए। इनका सीधे तौर पर वीसी पर आरोप है कि एग्जाम में जो कॉपी चेक हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, और 72% फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है। हर एक सेमेस्टर के छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है। NACI के बैनर तले यहाँ पे छात्र छात्राएं वीसी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, और उसे चोर बोलते हुए यह भी कह रहे हैं कि बाहरी वीसी नए चल तो इसकी सभी नारो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इस गर्मी में काफी बड़ी संख्या में छात्राएं भी मौजूद हैं अनिकेत। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को फेल करने का मामला है, यहाँ पर 72% छात्र फेल कर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर वीसी पर पैसे उगाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। किस मामले में पैसे उगाही का ये जो आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पे छात्रों का यह कहना है कि जानबूझकर लड़कों को फेल किया जा रहा है ताकि फिर से फॉर्म फिलअप कराया जा सके। इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधक पर, हर एक छात्रों और जो है यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अपनी कमाई पर ध्यान दे रही है, उन्हें छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह देखने को मिल रही है कि छात्राओं का यह भी कहना है कि अगर एग्जाम कॉन्सिलेशन से इनकी बात होती है, अगर दोबारा से कॉपी चेक होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव पर ऐसे कार्रवाई किए गए हैं जिससे छात्रों के हितों से हटकर इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसका विरोध यहाँ पे छात्र छात्राएं पुरजोर कर रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि फिलहाल अभी यह पूरे गेट को घेर चुके हैं और यहाँ पे मौके पर प्रशासन अभी फिलहाल पहुंची नहीं है, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये मुख्य रोड को भी घेरने का काम करेंगे। तो ये वीसी से क्या मांग कर रहे हैं कि जो कॉपी है वो फिर से रीचेक कराया जाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन पहले भी वीसी पर कई आरोप लगे हैं, यहाँ पर कई छात्र संगठन जो है वीसी के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें तानाशाही तक बता चुके हैं, और आज फिर से एक बड़ा घेराव किया गया है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इतने बड़ी यूनिवर्सिटी को बनाया गया, लेकिन यहाँ पर इतने खर्च करने के बाद भी जो छात्र छात्राओं की पढ़ाई है वो कम, और यहाँ पे आंदोलन ही हमें हर एक दिन देखने को ज्यादा मिल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद है उन्हें अभी अपने पढ़ाई और क्लास के लिए उनका खुद निवेदन था कि जो क्लासेस हैं जो चलनी चाहिए थी सेमेस्टर 6 की, वो अभी नहीं चल रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पे सभी लोग प्रदर्शन यहाँ पे जो छात्र छात्रा है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्रबंधक की ओर से फैसला होना चाहिए था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक प्रशासन वहाँ पहुंची है या नहीं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहाँ पर, और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि गार्ड द्वारा छात्रों से मारपीट भी की गई है? देखिए, आपको बता दें कि अभी जब मैं यहाँ पे मौके पर पहुंचा तो यहाँ पे जो भी छात्र छात्रा उनके साथ पीछे की ओर से जो गेट थे वहाँ पे जो छात्र छात्रा उनके साथ गार्ड ने धक्का मुक्की किया है, और साथ ही कई छात्रों को चोट भी लगा है। यहाँ पे मौके पर जो छात्र छात्राएं मौजूद है उनका बस यही मांग है कि जो वीसी है अपने इस जो तुगलकी फरमान है उसको वापस ले।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। आप तो देख सकते हैं किस तरीके से BBMKU के छात्र है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में 72% छात्रों को जो फेल कर दिया गया है उसको लेकर NSUI के छात्र संघ द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद है और गेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि गार्ड द्वारा यहाँ पर छात्रों के साथ मारपीट की गई है, साथ ही VC पर पैसा उगाही करने का आरोप लगाया गया है। साफ तौर करके 72% बच्चों को फेल कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें फिर से एग्जाम फॉर्म भरने को कहा जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे की उगाही कर रहा है। इसको लेकर के छात्रों ने यहाँ पर VC पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया है, साथ ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर से कॉपी रीचेक करने की मांग कर रहे हैं। अगर कॉपी रीचेक होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र संगठन है और यहाँ पर तमाम जो छात्र है गेट के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं BBMK यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पर VC पर पैसे उगाही करने का आरोप भी लगा रहे हैं और कॉपी रीचेक करने की मांग कर रहे हैं।